बिल्कुल कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। आ जाइए, निकल आइए। देखिए सर, ये खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, सारे के सारे टेम्पल्स चंदेल राजाओं ने 9th सेंचुरी AD से लेके 11th सेंचुरी AD के मध्य में बनवाए हुए। वो खजुराहो जो निकल जाने दीजिए थोड़ा सा। और उन्होंने यहाँ 85 टेम्पल्स का निर्माण करवाया था। 85 में से वर्तमान में केवल 22 टेम्पल्स ही सर्वाइव कर रहे हैं, वो वेरियस टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन के कारण है और केयर के कारण है। 22 टेम्पल्स ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ये ईस्ट वेस्टर्न ग्रुप है, इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर 11 टेम्पल आ जाते हैं, छोटे बड़े सारे मिला के 5 मेन टेम्पल हैं और 6 स्मॉल टेम्पल हैं। देखिए ये जो 85 टेम्पल उस समय जो उन्होंने बनवाए थे, ये सारे के सारे टेम्पल एक वॉल से घिरे हुए थे उस समय, और उस वॉल में 8 गेट्स होते थे फॉर एंट्रिंग और एग्जिट के लिए, और ईच गेट फ्लैंक्ड विद 2 डेट पाम। तो जब यहाँ पर 1022 ईस्वी में अबू रिहान अल बरूनी और 1335 में इब्न बतूता नाम का जो अरब ट्रेवलर था वो यहाँ आया, तो जैसे ही उसने खजूर के पेड़ों को देखा तो उसने इस जगह को नाम दिया खजारा। तो इसका जो एंशियंट नेम है वो है खजूर वाटिका, बट स्लोली स्लोली इट बिकम खजुराहो। देखिए खजुराहो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, खजू और राहो। खजू मीन्स डेट पाम और राहो मीन्स होता है वे टू गो, अंदर जाने का रास्ता। तो इस तरीके से खजुराहो ने अपना नाम प्राप्त किया हुआ है। देखिए आफ्टर 13th सेंचुरी चंदेला डायनेस्टी का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था। तो चंदेला डायनेस्टी का डाउनफॉल होने के पश्चात एंड ऑफ द 13th सेंचुरी टू एंड ऑफ द 16th सेंचुरी ये सारे के सारे टेम्पल जो है ये जंगलों में कन्वर्ट हो गए थे। इनके बारे में किसी को नॉलेज नहीं थी, कोई जानता नहीं था, इसीलिए ये टेम्पल बच गए, क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गए थे, यहाँ आने से लोग डरते थे। परंतु जब 1838 में जब यहाँ पर T.S. बर्ट नाम का जो ब्रिटिश इंजीनियर था, एक्चुअली में ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंट्रल इंडिया का मैप बनाने के लिए एक इंजीनियर भेजा हुआ था जिसका नाम था T.S. बर्ट। वो यहाँ पर आया तो वो यहाँ से गुजर रहा था, उसने इन मंदिरों को रीडिस्कवर किया और इसकी सूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एएसआई के सारे टेम्पल दे दिए, तभी से यहाँ पर प्रिजर्वेशन का वर्क स्टार्ट हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो ये जो मोटर वगैरह लगा हुआ है ये बाद में लगा हुआ है। अब देखिए ये खजुराहो की एक सिंपल सी जानकारी थी। देखिए सारे के सारे टेम्पल सैंडस्टोन से बने हुए हैं और इट्स अ वॉल्केनिक प्लेट ऑफ ग्रेनाइट रॉक, यहाँ पर सैंडस्टोन ये नहीं मिलता। तो ये उनके द्वारा ट्रांसफर किया हुआ है फ्रॉम वैली ऑफ पन्ना, प्लेटो ऑफ अजयगढ़ एंड माइनिंग एरिया ऑफ कालिंजर है, वहां से उन्होंने इसको ट्रांसफर किया। और ट्रांसफर करने के उपरांत टेम्पल के जितने भी पार्ट्स हैं लाइक नीचेस, फ्रिजेस, पैनल, ऑल दोज स्ट्रक्चर्स दे फर्स्टली कार्व ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो टेम्पल का निर्माण करते थे नागर से। देखिए भारत में दो तरीके की शैलियां बहुत फेमस हैं टेम्पल निर्माण की, एक है नागर और दूसरा है द्रविड़ी। द्रविड़ियन शैली का जो टेम्पल है वो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, उनकी विशेषता आप देखें उनका रूफ बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है, बट नागर शैली का टेम्पल ऐसे कॉनिकल शेप में होता है। और जब भी वो टेम्पल का निर्माण करते थे तो टेम्पल लुक लाइक अ राइजिंग पीक्स ऑफ द माउंटेन। और दूसरी विशेषता नागर शैली की कि जब वो टेम्पल का निर्माण करते थे, ऊपर बैठ जाइए सर, आप लोग ऊपर बैठ जाइए तो निकलने में आसान। तो उन्होंने पंचायतन स्टाइल का टेम्पल बनाया। देखिए पंचायतन शब्द जो है ये संस्कृत शब्द है, पंच मीन्स 5 और आयतना मीन्स 6, 5 जगहों पर बनाया हुआ टेम्पल। सामने देखिए ये खजुराहो का एकमात्र टेम्पल है
जो पंचायतन स्थल पर बचा हुआ है, बाकी पंचायतन स्थल पर बने हुए थे पर ये एकमात्र ओरिजिनल बचा हुआ है जो पंचायतन स्थल पर वर्तमान में भी है। एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर कॉर्नर टेम्पल, एक मैन टेम्पल हो जाते हैं, फाइव टेम्पल, तो इसको कहते हैं पंचायतन। दूसरी विशेषता नागर शैली की, जब उन्होंने टेम्पल का निर्माण किया तो ना तो उन्होंने किसी प्रकार का मोर्टर यूज किया, ना सीमेंट यूज किया और ना ही कोई भी बाइंडिंग मटेरियल। टेम्पल टोटली बेस्ड ऑन इंटरलॉकिंग सिस्टम, नीचे के पत्थर के बेस में वो डीप होल बनाते थे, ऊपर के पत्थर में ऐसा सॉकेट बनाते हुए उसको फिट करते थे। सारे के सारे टेम्पल इंटरलॉकिंग सिस्टम पर बने थे। बाद में जब ESI के अधीन आए तो उन्होंने इसमें मोटर वगैरह लगाया हुआ है, बट अभी भी टेम्पल इंटरलॉकिंग सिस्टम पर ही बेस्ड। अगली विशेषता नागर शैली की आप देखेंगे, जब आप टेम्पल के अंदर जाएंगे और जो मेन डीएटी अंदर सेंटिफाइड है उनके चारों तरफ यदि आप अंदर ही अंदर परिक्रमा ले सकते हैं तो वो शानदार स्टाइल का टेम्पल है, और यदि अंदर परिक्रमा की जगह नहीं है तो वो निरंधार स्टाइल का टेम्पल। इस तरीके से जो हाइट में छोटे टेम्पल हैं वो निरंधार के हैं, जो हाइट में टेम्पल बड़े हैं वो शानदार। समझ में आया सर, शानदार और निरंधार दोनों है, दोनों है। डिफरेंस क्या है दोनों में? अंदर जगह परिक्रमा की है अच्छा, तो वो शानदार, और यदि अंदर जगह परिक्रमा की नहीं है तो वो निरंधार। जैसे ये शानदार हो गया, ये शानदार हो गया क्योंकि अंदर आप परिक्रमा लगा सकते। अगली विशेषता नागर शैली की देखिए, टेंपल को उन्होंने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टेंपल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंट्रेंस पोर्च बोलते हैं, अर्ध मंडप। सेकंड पार्ट टेंपल का मंडप, थर्ड पार्ट टेंपल का महामंडप, फोर्थ पार्ट टेंपल का वेस्टिबुल मीन्स अंतराल, और सबसे लास्ट जो टेम्पल होता है, पार्ट होता है टेम्पल का, उसको कहते हैं सेंक्टम सेंक्टोरियम गर्भ। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भ, ऐसे ये फाइव पार्ट में टेम्पल डिवाइडेड है। ये नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में यही स्टाइल देखने को मिलती है। एक्चुअली में देखिए, उस समय जिस समय ये टेम्पल का निर्माण होते थे उस समय थ्री आर्ट ऑफ स्कूल हुआ करते थे। पहला था मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल, दूसरा था अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल और तीसरा था गांधार आर्ट ऑफ स्कूल। तो मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल के जो कारीगर थे वो नागर शैली के टेंपल बनाते थे, गांधार आर्ट ऑफ स्कूल के जो कारीगर थे वो मिस्र में आपने देखा वो पिरामिड्स वगैरह ये सब बनाते थे, अमरावती आर्ट ऑफ स्कूल के जो कारीगर थे वो ज्यादातर स्तूपास का निर्माण करते थे। तो तीनों में अलग अलग कारीगरों का इन्वॉल्वेशन होता था। और कोई क्वेश्चन सर पूछना चाहे तो ये टेंपल का आर्किटेक्चर हुआ। अब टेंपल के ऊपर चलेंगे, दूसरे टेंपल के ऊपर देखिए, ये यहां यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये मोनोलिथिक है, वन पीस है। देखिए यहां से लेके और यहां तक टॉप तक ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनाया हुआ है। ये भगवान विष्णु का जो थर्ड इनकार्नेशन है वराह, उसकी प्रतिमा है। एक्चुअली में विष्णु टुक नाइन इनकार्नेशन, जो फर्स्ट है वो फिश, सेकेंड टॉर्टोइज, थर्ड वराह, तो ये थर्ड है। और इनकी एंटायर बॉडी के ऊपर आप देखिए छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स कार्व किए गए हैं। ये काउंटिंग की दृष्टि से 674 गॉड एंड गॉडेसेस की प्रतिमा है। देखिए वैसे तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और उनमें से जो मुख्य होते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। जैसे कि बिल्कुल फ्रंट में आप देखेंगे, मसल के ऊपर फ्रंट में देखिए आप, माँ सरस्वती की प्रतिमा है। मसल में फ्रंट में जाइए, अच्छा, माँ सरस्वती की प्रतिमा है क्योंकि माँ सरस्वती वॉइस ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए बिल्कुल फ्रंट में, लेफ्ट राइट में, मजल के ही ऊपर माँ दुर्गा माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। नाइन प्लैनेट्स फोर के ग्रुप में ये राइट साइड में और फाइव के ग्रुप में लेफ्ट साइड में दिखाया गया। ये कौन सा लक्ष्मी उस तरफ दुर्गा। और ये देखिए नेकलेस के रूप में ये सप्तऋषि मंडल है, ये दो दो करके अष्ट दिक्पाल दिखाए गए हैं।
अष्टदिक्पाल समझते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म के अनुसार 10 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान, 8 एंगल, ग्लो टू ग्लोब एवं टू ग्लोब, तो ग्लो टू ग्लोब और एवं टू ग्लोब इनको काउंट नहीं किया जाता, 8 डायरेक्शन होते हैं और प्रत्येक डायरेक्शन की एक डायरेक्शन डीएटी होते हैं, इनको कहते हैं अष्ट दिक्पाल। तो ये दोनों करके दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ आप देखिए ये वरुण और ये वायु, अब आप कैसे कहेंगे कि ये वरुण और वायु है? देखिए जितने भी देवी देवता होते हैं इनको उनके वाहनों से पहचान करते हैं या उनके औजारों से पहचान करते हैं। ये देखिए जैसे ये है, इनका वाहन जो होता है मकर होता है, तो ये वरुण है, और ये वायु है, इनका वाहन डियर होता है। आगे स्पष्ट तरीके से और दिखाई देंगे आपको नेक्स्ट टेम्पल के ऊपर, यहाँ नॉर्मल तरीके से दिखाए गए हैं। ये देखिए ये कुबेर और ये ईशान, उसमें इंद्र अग्नि और उसमें वायु सॉरी दक्षिण में यम और नैऋत्य में निरुत, इस तरीके से ये एक डायरेक्शन आ गए। देखिए एक टेम्पल को बनाने में लगभग 20 से 25 वर्ष तक लगा। ये जो मारते हैं ये सरपेंट गॉड, शेषनाग, एक्चुअली में विष्णु शेष सैया के ऊपर रहते हैं, ये शेषनाग वहाँ आर्ट बॉडीज की प्रतिमा टूट गया है, ये टूट गई है एक्चुअली में, ये लोकल इन्वेडर्स के कारण और कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के कारण टूटे हुए हैं। लोकल इन्वेडर्स से तात्पर्य है कि इनमें आपसी लड़ाइयां होती हैं, तो आपसी लड़ाई यहाँ मुगल्स नहीं आए, मुगलों का कोई भी इन्फ्लुएंस यहाँ देखने को नहीं मिलता, यहाँ केवल आपसी लड़ाइयों के कारण ही। और कुछ ऐसे भी हैं कि जब ये जंगलों में कन्वर्ट हो गए थे तो लोग यहाँ पर चरवाहे वगैरह घूमते रहते थे, उन्होंने चूंकि ये सैंडस्टोन है तो इसको थोड़ा सा भी आप ताकत से मोड़ देंगे टूट जाता है, तो इसी तरीके से ये हुआ, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के कारण खत्म हो गए। सीलिंग में देखिए इन्वर्टेड लोटस फ्लावर की कार्विंग की गई है, एक्चुअली में खुला कमल और बंद कमल, खुला कमल जो होता है ये पॉजिटिव एनर्जी का साइन है और जो बंद कमल होता है वो नेगेटिव एनर्जी का साइन, तो खुले कमल की बनाया हुआ है ड्राइंग की गई डिजाइन बनाई गई है, क्योंकि ये इससे ये पॉजिटिव एनर्जी इस प्रतिमा को प्राप्त होती रहती है, ऐसा ये हिंदू धर्म की मान्यता है। इस पूरे मंदिर से मैसेज क्या मिलता है, मतलब विष्णु भगवान का ये अवतार है इसके? एक्चुअली में देखिए यहाँ वैष्णव और शैव सेक्ट के फॉलोवर रहते थे, तो जो जिसको मानता था जिसकी पूजा करता था उसी को उन्होंने अपना आराध्य मान के और उसकी उसका मंदिर बनवाया। तो ये इससे मैसेज यही आता है कि हम वैष्णव सेक्ट को फॉलोवर करने वाले हैं, इसलिए हमने विष्णु का टेम्पल बनवाया, हम शिव को फॉलोवर शिव के फॉलोवर हैं इसलिए हमने शिव का टेम्पल बनवाया। पूजा वगैरह पहले होती थी, अभी अब तो इनको मोनोमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। शिव पूजा वाला मंदिर एकमात्र है जो ये इस कॉम्प्लेक्स के बाहर है, वो इसीलिए उसको बाहर रखा गया है क्योंकि आम जनता आके वहाँ पूजा अर्चना कर सकती है। इसको शिफ्ट भी किया गया है, बोला ना वो टूट गया, वो कौन से देवी यहाँ पे एक डेटी था टूट गया, नीचे बनाने के बाद ऊपर रखा, तो पहले इसको रखा फिर उसके बाद ऊपर की छत बनाई। इसमें भी कोई मूर्ति था या कुछ नहीं? नहीं बताया ना, इसकी प्रतिमा हुआ करती थी ना, यहाँ एक मुनि थे छोटे से,